मुख्यमंत्री साय ने राजधानी के बीटीआई ग्राउंड में दिव्य कला मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार भी शामिल हुए। उन्होंने सांसद बृजमोहन अग्रवाल की मांग पर 5 एकड़ में दिव्यांग पार्क बनाने की घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्य कला मेले का आयोजन किया है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार लगातार 8 बार सांसद रहे हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी अपराजय योद्धा हैं। 8 बार विधायक के बाद पहली बार में सांसद बने हैं। सीएम ने कहा कि दिव्यांग जनों को पहले विकलांग कहते थे, वह अच्छा नहीं लगता था। प्रधानमंत्री ने दिव्यांग लोगों का सम्मान बढ़ाया, अब दिव्यांग कहने से अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि मेले में लगे स्टॉल का भ्रमण किए हैं। दिव्यांग कला मेला 7 दिनों तक चलने वाला है। जनता से आग्रह है कि वह मेला आए और दिव्यांगों का उत्साह बढ़ाए। आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस 17वां दिव्य कला मेला का आयोजन यहाँ छत्तीसगढ़ में रायपुर में किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हमारे परम मित्र हैं, 8 बार से सांसद हैं लगातार। आप लोग सोच सकते हैं लगातार 8 बार सांसद रहना, 40 साल से सांसद रहना, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी लोकप्रियता है। वैसे ही हमारे बृजमोहन भैया भी हैं, वो भी अपराजय योद्धा हैं। 7 बार के विधायक के बाद सांसद बने हैं और वो भी अच्छा 8 बार, वो भी 8 बार, 8 बार एमएलए के बाद 9वीं बार में सांसद बने हैं। और जो सर्वाधिक मतों से जीते हैं सांसद, ऐसे टॉप 10 में बृजमोहन जी का भी नाम है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। सांसद थे तो स्वयं सब्जी खरीदने भी कभी कभी जाते थे, कहे कि हम लोग जब मंत्री थे तो लोकसभा में अगल बगल बैठते थे, दोनों की सीट अगल बगल थी, तो कई बार हम लोगों की आपसी चर्चा होती थी तो बोलते थे हम तो कभी कभी पैदल सब्जी भी खरीदने मार्केट चले जाते हैं। तो ऐसे हमारे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी हैं, बहुत ही सरल सहज स्वभाव के और कठिन परिश्रम करने वाले जनता के सेवक, उनका मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं छत्तीसगढ़ की धरती में। और मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा, यहां पर हमारे दिव्यांग बेटा बेटी भाई बहने हैं, एक तो ये मैं बताना चाहूंगा कि पहले दिव्यांग जन को विकलांग बोलते थे, तो विकलांग बोलने से थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, जो पूरे दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है, उन्होंने विकलांगों का भी मान और सम्मान बढ़ाया और विकलांग से उनका नाम दिव्यांगजन रखा। तो एक बार मोदी जी के लिए ताली हो जाए, दिव्यांगजन कहने से बहुत अच्छा लगता है। आज यहां पर स्टॉल लगा है, कई प्रदेश का स्टॉल है। हम लोग मंत्री जी के साथ पूरा भ्रमण किए हैं, पश्चिम बंगाल से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, पंजाब से आए हैं, छत्तीसगढ़ का बहुत स्टॉल है। और हमारे जो दिव्यांगजन हैं, उद्यमी भी आए हैं और वो दिव्यांगजन भी